인사! 함께하자 하되! 인사! 인사함께 하게! 유사하게! 인사함께 하게! 유사하게! 말이 망해! 우리 이대로! 말이 망해! 우리 이대로! 내 남는 번, 이제 육소천 내세! 나무대로! 나무대로! 내 남는 번, 육소천 내세! 나무대로! 나무대로! 내 남는 말이 망해! 우리 이대로! 말이 망해! 우리 이대로! 말이 망해! 우리 이대로! 말이 망해! 우리 이대로! We want justice! We want justice! मैं अजीत सिंह नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन बोल रहा हूँ। सर हमारा जो पी एनोमली का मसला है लास्ट पिछले 24-25 साल से चला आ रहा है और जितनी भी हुकूमतें आई हैं इन्होंने मास वाए लारे और वादों के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। तो अभी सत्यपाल मलिक जी आए थे, उनसे भी हमने जो एडवाइज़र साहबान थे उनसे कितनी दफ़ा मिले, तो लिहाजा आज तक ये हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो हम ये आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहते हैं कि ये जो मसला हमारा है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि ये जो हम सीनियर सिटीजन है ये सफ़र ना करें। और आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आधे लोग इस दुनिया से चल बसे हैं और जो बाकी हैं कोई बेडरूम पर पड़े हैं, कोई बीमार हैं, कोई किसी हालत में है, तो हम ये अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस करते हैं कि हमारे साथ ये हुकूमतें सिर्फ जब कोई बात होती है बटरिंग लगाने के लिए बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि पुलिस मुहाफ़िज़ है, रखवाले हैं, मुल्क और कौम की हिफाजत करती है, जब इनको देने की बारी आती है तो हमारे तरफ इनका जो हाथ वो कंजूसी आ जाती है, हमें देने के लिए कुछ तैयार नहीं होते। तो अब ये जो हमारा हार्नेस चाइल्ड हैं जो जिन लोगों की डेथ दौरान ड्यूटी हुई है उनका 376 जो हार्नेस चाइल्ड की अकोमोडेट के लिए किया गया उसमें आधे बच्चों को अकोमोडेट किया, बाकी जो रहते हैं उनको भी डीजी साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द किया जाए। और उसके बाद ये हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहते हैं कि ये हमारा पुलिस हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टरों की जो है शार्टेज है और ना डॉक्टर जब छुट्टी जाते हैं उनका सब्स्टिट्यूट वहाँ कोई नहीं आता, आर्थो वाला डॉक्टर भी नहीं है, ईएनटी वाला डॉक्टर भी नहीं है और सुपरिटेंडेंट साहब से पूछा है तो वो दवाई भी वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो लिहाजा ये जो खामी है जिस तरह अदर पैरा मिलिट्री फोर्स में आता है कि वहाँ पर 3 महीने के बाद एक जर्नली चेकअप होता है पूरी फोर्स का, यहाँ पर तो देखिए कि ये डायरेक्टरेट ऑफिस से जो हमारे डॉक्टर आते हैं यहाँ रेस्ट और आराम छुट्टियाँ फरमाने के लिए आते हैं, ना कि इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर जो डॉक्टर छुट्टी पर जाएगा वो डायरेक्टर ऑफिस को चाहिए कि वहाँ पर दूसरा डॉक्टर डिप्यूट करना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो लिहाजा इससे जो छोटा मुलाजिम है वो परेशान और मुसीबत में मुबतला, तो इसको जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। अगर डायरेक्टर ऑफिस में आपके माध्यम से बात पहुंचती है, डीजी साहब से पहुंचती है, तो जो भी अथॉरिटी है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो इसके जो नतीजे हैं वो गंभीर निकलेंगे।